हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे। मैं हूं आपके साथ प्रिंस सर। तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों, चलिए तो आज की शानदार, बहुत ही शानदार सेशन होने वाली है आज की क्लास। सर क्या पढ़ाने वाले हो आज? आज तो मजा ही मजा है दोस्तों। क्या सर क्या पढ़ाओगे आज? आज पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 CBSE 2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं, यानी कि धमाकेदार सेशन के साथ आज लेकर आया हूं क्लास 10th इंग्लिश के सबसे शानदार चैप्टर, और बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के शानदार सेशन आज हम लेकर आए हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 2। क्या सर? द थीप स्टोरी। सर पिछले दिनों में भी तो आपने कुछ ऐसा ही चोर के बारे में पढ़ाया था, क्या आज भी आज एक चोर की कहानी पढ़ाओगे? जी हाँ, तो आप सही सुन रहे हैं, आज मैं एक शानदार कहानी पढ़ाने वाला हूं, एकदम द थीप स्टोरी। आज एक चोर की कहानी पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, देखेंगे कि कैसे इसमें अनिल और हरि सिंह नाम का एक व्यक्ति है, जो हरि सिंह एक पेशे से चोर है, वो अपने नाम को बदलते रहता है, और आज अपने नाम को बदल करके वो हरि सिंह रखा है, क्या उसकी चोरी पकड़ी जाती है, क्या वो करता है, क्या कुछ इस कहानी में होता है, द थीप स्टोरी, और एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में बताया गया है बच्चों। इस चैप्टर में बताया गया है कि एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, एजुकेशन की वजह से उस चोर को जेल ना भेज करके उसे क्या कर दिया गया, एक सही मार्ग पे लाया गया, शायद अनिल जैसा व्यक्ति उसे नहीं मिल पाता तो उसकी चोरी खत्म नहीं होती और एक अच्छा इंसान नहीं बनता। यानी अनिल एक ऐसा एडुकेटेड पर्सन है कि उसे, बच्चों समझना पड़ेगा तुमको कि अनिल एक ऐसा एडुकेटेड पर्सन है, उसके वजह से हरि सिंह जो है चोरी करना छोड़ देता है और एक अच्छे इंसान बनने में कामयाब हो जाता है। प्यारे साथियों, हम इसी सेशन की शुरुआत करते हैं धमाकेदार तरीके से, एकदम मजे तरीके से, कोई टेंशन नहीं है, आज का सेशन एकदम जबरदस्त होने वाला है बच्चों, एकदम मस्त होने वाला है। जैसा कि आप जानेंगे तो कहेंगे कि हाँ सर एकदम शानदार होने वाला है बच्चों। आइए आज की सेशन एकदम बुलंद तरीके से, शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, एकदम शानदार तरीके से। बच्चों आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक जबरदस्त चीज सिखाने वाला हूं कि द थीप स्टोरी। सर इस थीप स्टोरी का मतलब क्या है? सर सबसे पहले आप इसके बारे में ना थोड़ा चर्चा करिए विशेष। तो आइए बच्चों एकदम शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं द थीप स्टोरी, है ना, यानी इसका मतलब है एक चोर की कहानी। कहता है कि यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल, एक जवान यानी जवान कौन है, किस लड़के के बारे में बात की जा रही है, हरि सिंह के बारे में। हरि सिंह एक जवान लड़के की कहानी है। हरि सिंह फ्रेंड्स विथ अनिल, एक जवान लड़का जो है अनिल को दोस्त बनाता है, वह आदमी कोई और नहीं बल्कि हरि सिंह है बच्चों, उसी की कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों। अनिल ने ट्रस्ट कर लेता है कंप्लीटली, वह पूरी तरह से उस पर विश्वास कर लेता है। कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह से वह विश्वास कर लेता है, किस पे? अनिल पे। इंप्लॉय हिम, वो अपने इंप्लॉय पे, यानी कि वो इंप्लॉय कौन था, वो उसके यहां काम करने वाला व्यक्ति कौन था, जिसका नाम था बच्चों हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। डज द बॉय बिट्रे, क्या उसने ट्रस्ट पे धोखा दे दिया, क्या उसने ट्रस्ट को धोखा दिया, क्या उसने ट्रस्ट पे खरा नहीं उतरा, इसी के बारे में पूछा जा रहा है बच्चों। बिट्रे का मतलब धोखा देना। कह रहा है कि ट्रस्ट, क्या उसने एक विश्वास, जो अनिल का विश्वास था उस व्यक्ति पे यानी हरि सिंह पे, जो उसने विश्वास के साथ रखा था, क्या उसके विश्वास पर धोखा कर दी गई, इसी की जानकारी आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे प्यारे छात्रों, इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे शानदार तरीके से। तो आइए बच्चों देखते हैं कहानी क्या कुछ कहती है। कहानी का अर्थ आपको समझ में आ गया कि आज जो कहानी पढ़ने वाले इसमें मेन इंपॉर्टेंट दो ही रोल है, एक है अनिल और दूसरा है हरि सिंह। अनिल जो है वह बच्चों एक प्रकाशन के लिए किताब लिखता है, और जब किताब बिकती है उसकी तो उसके लिए मतलब कि बहुत सारे वो कॉमिक स्टोरी वगैरह लिखता है, आर्टिकल लिखता है, और जब बिकती है तो पैसे आता है, उसी से अनिल का खर्चा चलता है बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए अनिल की मुलाकात उस व्यक्ति से यानी हरि सिंह से कैसे होती है और कहां पर होती है, इसकी जानकारी हम इस कहानी में आपको देंगे प्यारे छात्रों। आइए कहानी को शानदार तरीके से शुरू करते हैं, क्या कुछ इस कहानी में कहता है। कहानी आज की कहानी बहुत ही छोटी है, उसी के बारे में जानेंगे बच्चों। आइए तो देखते हैं,
चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। तो आइए बच्चों देखते हैं, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो। मतलब बच्चों, मतलब इस कहानी के बारे में सर, इसकी अंदर जो इसकी डेप्थ मीनिंग है उसे समझाइए, है ना। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं शानदार तरीके से। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस को पहले समझते हैं ताकि जवाब लेने में मजा आ जाए, मजा आ जाए। तो आइए मजा करते हैं, देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन का जवाब है। बच्चों मजे तरीके से समझते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, आइए शानदार तरीके। कहता है कि रीड एंड फाइंड आउट, पढ़िए और फाइंड आउट करिए, खोजिए। क्या जी? हु डज आई, इसमें आई कौन है, रेफर टू इन दिस स्टोरी, आई का मतलब किसको बताया गया है। इसमें आई को चोर बताया गया, मतलब आई मतलब चोर ही, यानी हरि सिंह जो है वो कहानी को बता रहा है। क्या कर रहा है? आई का मतलब क्या है? हरि सिंह। क्या है बच्चों? पूछेगा क्वेश्चन, बोर्ड में पूछ देता है कभी कभी, बोर्ड पूछती है हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, आई किसको रेफर किया गया है, तो हरि सिंह को। ये तो हम पढ़ते तब जानते ना इसका आंसर, लेकिन आपके प्रिंस सर ने अभी बता दिया बच्चों, ठीक है। कतक व्हाट इज ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल रिटर्न फॉर हिज वर्क, ठीक है ना। आइए बच्चों इन सब सारे प्रश्नों को जवाब हम इस कहानी के अंदर जानेंगे, क्या क्या कुछ कहता है। देखिए कैसे शुरू कर रहा है हरि सिंह, आई का मतलब यहां पर हरि सिंह बताया गया है। कहता है कि आई वॉज स्टील अ थीप, एक मैं चोर हुआ करता था। मैं क्या हुआ करता था? मैं एक चोर था। कौन ये बात कह रहा है? हरि सिंह बता रहा है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि हरि सिंह का इंट्रोडक्शन क्या है। बच्चों आइए हरि सिंह के इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कहता है कि आई वॉज स्टील इन अ थीप व्हेन आई मेट अनिल, ठीक है ना। आई वॉज स्टील, मैं अभी तक चोर था, व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं मिला। देखो कहानी बता रहा है कि जब मेरी अनिल से मुलाकात हुई ना, तब तक तो मैं चोर था। क्या वो कह रहा है बच्चों? कि जब तक मेरी अनिल से मुलाकात हुई तब तक मैं चोर था। एंड दो यद्यपि ओनली, मैं उस समय, यद दो का मतलब यद्यपि कह रहा है, यद्यपि उस समय मैं कितने साल का था, 15 मतलब 15 वर्ष का, है ना। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल है, मैं एकदम हाथ साफ कर चुका, मैं मतलब सक्सेसफुल, अभी तक मैंने जितनी चोरियां की थी सब चीज में एकदम मस्त था, है ना। मैं कितने जगह हाथ साफ कर चुका था, कितने को चूना लगा चुका था। आज किसकी चूना लगाने की बारी है भाई? अनिल की। किसकी चूना लगाने की बारी है? अनिल की है बच्चों। देखते हैं कि अनिल को कैसे चूना लगाता है, क्या करता है बच्चों। अनिल वाज वाचिंग और रेसलिंग, रेसलिंग मतलब होता है कुश्ती। अनिल से वो कहां मिला? अनिल से तब वो मिला, अनिल एक रेसलिंग मैच में, अनिल से मुलाकात उसकी कैसे होती है, एक रेसलिंग मैच के दौरान होती है। कैसे होती है बच्चों? एक रेसलिंग मैच के दौरान होती है, यानी कि कुश्ती आयोजन किया जा रहा था। गांव में होता है ना कुश्ती, उस्ती कुश्ती देखना है ना, तो हमारे गांव चलना। हमारा गांव पड़ता है गया जिला के तपोवन में, बहुत ही मस्त। सबसे पहले वो विंडो ना ओपन कर दो, वो सारी विंडो ओपन कर दो ताकि आवाज टकराई नहीं, है ना, इको हो रहा है। वो सारी विंडो ओपन करो, ठीक है। करे कि आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15, आई वाज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल है। आज किसका हाथ साफ करने वाला है? नहीं खुल रहा, वो ऊपर खोलो ना, ऊपर से। अच्छा वो गेट खोल देना, इसको खोलो, खोल दो। हाँ हाँ इसको खोल देना, इसको, ठीक है। करे आज किसको चूना लगाने वाला है भाई? तो अनिल को। अनिल की मुलाकात, अनिल से मुलाकात उस हरि सिंह नामक चोर व्यक्ति को होती है रेसलिंग मैच के दौरान। गांव में कुश्ती होता है, क्या होता है गांव में कुश्ती? अगर देखो अभी समय आ रहा है, मैं कह रहा हूं हमारा गया डिस्ट्रिक्ट में घर है, और उस गया डिस्ट्रिक्ट में तपोवन एक गांव है जहां पर महोत्सव होता है, तपोवन महोत्सव, वहां पर कुश्ती आयोजन किया जाता है। जबरदस्त मैच अभी 14 जनवरी जब आएगा ना तब होगा, तो आइएगा देखने आप लोग बच्चों। ही वॉज अबाउट 25 एट टॉल। अब किसके बारे में बता रहा है वो? किसके बारे में? अनिल के बारे में। कह रहा है
कि वह लगभग 25 वर्ष का था, वॉज अबाउट टॉल, लंबा सा, लीन फेलो, पतला, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस। कहा मेरे मकसद, जिस मकसद से मैं वहां गया था, शायद लग रहा था कि मैं आज अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा, यही सोच करके मैं वहां जो है गया था। बच्चों क्या कर, है ना, करा कि शायद मैं अपने मकसद में आज कामयाब हो जाऊंगा, हमारी मकसद जो है क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। इसी मकसद से मैं आज वहां गया था, है ना। देखिए आगे क्या कहता है, सुनिए और जरा सा इसके बारे में। आई हैडंट मच लक फॉर लेट, कहा कि सबसे बड़ी बात थी कि मैं वहां लेट पहुंचा। आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। यू लुक ए बिट रेसलर योरसेल्फ, आई सेड ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन अ मेकिंग फ्रेंड्स। वो गया और जहां अनिल बैठा था वहीं जाकर के वो बैठ गया और उसको फ्लैटर करने लगा। फ्लैटरी जैसे आए दिन लड़के लड़कियों को करते हैं, लड़कियां लड़कों को फ्लर्टिंग करते हैं ना, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, मलाई मारना है ना, वैसा ही करने लगा। सो डू ही रिप्लाइड विच पुट ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज ए रैदर थिन। कहा कि देखो उस समय जब वहां अनिल के पास पहुंचा तो आगे क्या होता है बच्चों, मैं तो जानता हूं, लेकिन थोड़ा सा रुकिए, आप थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपको और विस्तार से कहानी को बताना चाहता हूं। कहता है कि सो डू यू ही रिप्लाइड विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर दिन, वेल आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसे ए बीट, व्हाट्स योर नेम। कहा उस आदमी के पास गया और कहा कि अरे यार आप तो कमाल, एकदम आप भी एकदम कुश्ती, आप रेसलर से कम नहीं लग रहे हो और आप भी लड़ सकते हो, एकदम लंबे पतले, एकदम मस्त हो यार, एकदम जाओगे ना तो पटक दोगे किसी को भी, हाँ है ना। हरी सिंह आई लाइड आई टूक ए न्यू नेम, ठीक है ना, व्हाट इज योर नेम, उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जब उससे पूछता है कि तुम ऐसे उसका बड़ाई करने लगता है, मलाई मारने लगता है, देखो फिर झूठ बोल दिया, पुलिस से बचने के लिए ऐसा वो करता था, है ना, पुलिस से बचने के लिए ऐसा वो करता था। बच्चों उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, है ना, तो फिर वो बताया अपना नाम, क्या किया उसने, अपना नाम क्या कर दिया बच्चों, बताया उसने, अपना नाम क्या किया, बताया कि मेरा नाम जो है वो हरि सिंह है, लेकिन वो अपना ओरिजिनल नेम नहीं बताया था, वो अपना ओरिजिनल नेम नहीं बताया था, याद रखना। अभी जो नाम बताई गई है बच्चों, वो अपना ओरिजिनल नेम नहीं बताया है। देखियो क्या बता रहा है, पुलिस से बचने के लिए वो हर बार क्या करता था, अपने नाम को बदलता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द बेल आईलिड रेसलर। वो कहता है कि जो उसके बाद अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, हेलो अगेन ही सेड, जैद राइट नाउ आई एम टेकिंग क्लास, ओके आई विल कॉल यू लेटर, ठीक है। कह रहा है कि लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, हेलो अगेन ही सेड, I gave him my most appealing smile. I want to work for you. I said, but I can't pay you. देखिए कितनी मजेदार कहानी बच्चों, थोड़ा सा और इसे मजे के रूप में पढ़ा जाए तो और मजा आने वाला है। देखो कुश्ती तो खत्म हो गई जब उससे नाम पूछा गया, ठीक है ना, तो उसके बाद कहता है कि एक बात बोलूं, उसको पीछा करते हुए वो भी चलाया। मतलब बच्चों ऐसी कहानी है कि कुश्ती के समय तो उसका बड़ा उड़ा कर लिया, अपना जमा जगह, अपनी जो जगह थी ससुरा तो बना लिया, इसको तो चाहिए था कि इसको उड़ा, इसका जो बोलिया बिस्तर है बनवा देना है, उड़ा देना है इसको, मतलब चोरी कर लेना है। और उसको फॉलो करते उसके साथ आया और कहा हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा आई गेव हिम माई मोस्ट अपेलिंग स्माइल, और उसने ठीक है आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, उसने स्माइल करते हुए कहा सुनिए ना, क्या मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, है ना, क्या कहा, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, आई सेड बट आई कांट पे। लेकिन उसने आदमी ने कहा कि देखो मैं तुम्हें काम तो करना चाहते हो लेकिन मैं तुमको पे नहीं कर सकता, मैं तुमको कोई पैसे नहीं दे सकता क्योंकि आई डोंट हैव एनी जॉब, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, कोई मेरे पास सरकारी नहीं है जॉब है ना, मेरी कोई तनख्वाह आती है, हाउ विल आई पे।
यू, मैं तुम्हें कैसे पे करूंगा? क्योंकि कहा जाता है गांव में हमारी हमारी दादी और हमारी मम्मी कहा करती थी कि आज भी कहा करती है खाए के रोजी ने नहाए के तड़के, कहल जाता है। इसका मतलब है कि अपने घर में भुंजी भाई न डेवड़िया पर नाच रहे, मतलब इसका मतलब है कि हमारे घर में खुद की खर्ची नहीं है और हम दूसरे के लिए कहां से इंतजाम करेंगे, है ना। तो उसी के बारे में कहता है कि ठीक है तुम काम तो मेरे लिए कर सकते हो लेकिन मैं तुमको पे नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, आई डोंट हैव एनी परमानेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब जहां से मेरी सैलरी आती हो और तुम्हें मंथली मैं दे सकूंगा। अब देखिए आगे क्या कहानी में होता है प्यारे बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी मजेदार कहानी है, इतनी शानदार कहानी है कि क्या बताऊं बच्चों, और मजा आने। कहता है कि आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड जस्ट मिसजज्ड माय अगेन, कैन यू फीड मी, कैन यू कुक मी, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। क्या जबरदस्त झूठ बोलता है भाई, चोर की एक्टिंग देख लो। जब उसने कहा कि मैं कोई भी काम कर लूंगा, आपने मुझे रख कर देखो, कि कहना आपने मुझे रख कर देखो, मैं आपके लिए खाने बना दूंगा, कपड़े धो दूंगा, वॉट एवर आई कैन डू इट, जो कुछ भी हो मैं कर सकता हूं, प्लीज गिव मी अ चांस टू प्रूव दैट। अब देखो भैया चांस तो दे दिया ये, अब देखो कहता है कि कैन यू कुक, अब वो आदमी ने कहा कि मैं खाना बना दूंगा, तो उसने कहा कि देखो मिसगाइड कर दिया उसको, मिसजज करते हुए उस आदमी को, देखो अनिल जो है बड़ा सीधा साधा व्यक्ति है, इसको मिसजज करते हुए उसने कहा कि मैं जो है तुम्हें खाना बनाकर दे सकता हूं, तो उसने पूछा कि तुमको खाना बनाना आता है, तो उसने कह दिया कि हाँ आता है, लेकिन इस बार भी वो झूठ बोला था। पहला झूठ क्या बोला कि मेरा नाम हरि सिंह है, हर महीने वो अपने नाम बेचता था, क्यों बेचता था, क्यों अपने नाम को चेंज करता था, पुलिस से बचने के लिए, क्योंकि कई जगह वह चोरी करके इस बार जो है बुढ़िया बिस्तर किसका बंधवाने वाला है, तो अनिल बाबू का है ना जी। आगे देखो, ही टुक मी हिज रूम ओवर द जुम्मा स्वीट शॉप, जो अनिल है ना उसका कमरा एक फ्लैट था, मतलब एक घर मकान है, उस मकान के नीचे एक जुम्मा स्वीट नाम का एक दुकान है, मकान के नीचे क्या है दुकान है, उसी में वो रहता था। तो बोला कि उसके ऊपर कुड स्लीप ऑन द बालकनी, उसने कहा कि देखो तुमको जो है बालकनी में सोना पड़ेगा, बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी। इतना खतरनाक दिन कभी अनिल के जीवन में नहीं आया था, घर तो ले गया उसे, ठीक है, और उसने खाने बनाने के लिए उसे दिखाया किचन, खाना बनाया, देख लो दोस्त उसने इतना झूठ बोला था, खाना तो इतनी अच्छी बनाया, इतना बेहतरीन खाना बनाया कि अनिल ने कभी उस खाने को, वैसे खाने को कुत्ते को नहीं दिया था, स्ट्रे डॉग गली कुचलनी वाले कुत्ते को उसने जाकर के, सोच लो कि कितना अच्छा खाना बनाया होगा अनिल, उस खाना को गली कुचलनी वाले कुत्ते को, गली कुचलनी में जो कुत्ते होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उसे ले जाकर दे दिया, जो सड़क पे जो मतलब कि घर का इंतजार करते रहते कि उससे खाना मिलेगा, वैसे जगह पर ले जाकर, यानी कि वो खाना इतना अच्छा खाने लायक था कि उस खाने को अनिल ना खा करके उसने कुत्ते को खाना खिला दिया, अपने कुत्ते को नहीं गली वाले कुत्ते को, देखिए कितना अच्छा खाना बनाया था। बट जस्ट अराउंड स्माइलिंग माई मोस्ट अपेलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, ठीक है, लेकिन फिर भी अनिल उसको कुछ नहीं कहा, अनिल तो अनिल था, काश अनिल मेरे पास होता ना तो मैं उसे गले लगा देता, और कहता अनिल तू भगवान है कि इंसान रे, है ना। देखिए लेटर ही पैटेड मी, कहा कि डांटने के बावजूद उसने मुझे डांटा नहीं बल्कि पैटर किया, पैटेड मतलब पीठ को थपथपाया, क्या किया, पीठ को थपथपाया, डांटने की बजाय उसने मुझे थपथपाया ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, और उसने कहा चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हाय रे हाय समैया फूटल दिल के अरमनवा टूटल हो, ऐसा कहां मिलेगा मालिक जी, झूठ बोल करके वो रह गया उसके घर में खाना बनाने के लिए, जब खाना बनाया तो इतना बेहतरीन खाना बनाया, कैन यू इमेजिन माई डियर कि कितना बेहतरीन खाना वो था कि उसे स्ट्रे डॉग्स को देना पड़ा, गली कुचलने वाले कुत्ते को दिया, और उसे पीटने की बजाय, उसे भगाने के बजाय, उस पर हंसने की बजाय एक छोटा सा स्माइल दे करके
उसके पीठ को थपथपाया और कहा, डोंट माइंड, तुम टेंशन मत लो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। क्या बात है बच्चों, है ना। उसने खाना ही बनाना नहीं बल्कि उसे खाना बनाना सिखाया और साथ में उसे सेंटेंस लिखना सिखा रहा था और नंबर को ऐड करना, क्योंकि ही वाज इलिटरेट पर्सन। चोर जो था ही इज इलिटरेट पर्सन, वो एकदम इलिटरेट है, अनपढ़ है, गवार है, योक्कल है, देहाती है, उसे कुछ नहीं आता। दे डोंट नो हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक, हाउ टू ऐड द नंबर्स, हाउ टू राइट द सेंटेंसेस, दे डोंट नो। बट अनिल ने उसे एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, हर चीज उसे सिखाया कि सेंटेंस को कैसे लिखते हैं, वर्ड को कैसे जोड़ते हैं, वर्ड बनता कैसे है। हाय रे अनिल, काश तेरे जैसा कोई इंसान इस दुनिया में पैदा हो जाए, 100 में 1 हो जाए, तो मैं उसे उसका चरण स्पर्श करूं, उसका पैर धोकर पी लूं। देखिए, हम नहीं कह रहे, किताब कह रही है आपकी, है ना। उसे सिखाया सेंटेंस लिखना, नंबर ऐड करना, अभी वो सीख ही रहा था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, और कहा कि वह ऐसा लग रहा था अनिल इसको, हरि सिंह को, कि मैं एक दिन एक एजुकेटेड पर्सन बन जाऊंगा और यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन कहा जाता है कि जब किस्मत में, एगो गांव में कहावत है कि तुम्हारे जब किस्मत में लोढ़ा रगड़ा हुआ हो ना, अगर ईट पत्थर रगड़ा हुआ हो, एगो गांव में कहावत था कि अरे पढ़े वाला का निरार चमका है, निरार मतलब ये होता है ललाट, है ना। देखिए आगे क्या होता है बच्चों, आगे क्या होता है जो सुनिए थोड़ा। आई मेड दिस टी दिस मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाय द डे सप्लाई यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट अबाउट रुपी अ डे। कहा अनिल मुझे रोज पैसे देता था कि जाओ सब्जी ले आना, तेल ले आना, पानी ले आना, जो भी हो, है ना, और उसमें से जो पैसे बचता था ना, जैसे 8 आना 1 रुपया उस जमाने में जो भी, तो पॉकेट में अनिल जो हरी जो है वो रख लेता था और मालिक को देता नहीं था, मतलब अनिल को नहीं देता। ये सब जानते, ये सारी बात अनिल जानता था, फिर भी उसने कुछ कहा नहीं, फिर भी उसने कुछ कहा नहीं उसको कि तुम पैसे क्यों रख लेते हो या फिर तुम कुछ देते नहीं हो। देखो उसे लिखना पढ़ना सिखा रहा, जरा फिगर में देख लीजिए, है ना, उसे लिखना पढ़ना सिखा रहा, कितनी अच्छी बात है बच्चों। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट वीक। पता अनिल की जिंदगी कैसी थी, अनिल का घर कैसे चलता था, सुनिएगा ना तो आंख से आंसू आ जाएंगे आपके, आंख से आंसू आ जाएंगे आपके जब आप सुनेंगे ये बात, जब आप सुनेंगे कि अनिल का घर कैसे चलता था। देखिए अनिल के पास, मैंने ऑलरेडी आई टोल्ड यू माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि अनिल के पास कोई जॉब नहीं था, अनिल डोंट हैव अ गवर्नमेंट जॉब, है ना। अनिल की देखिए जिंदगी कैसी थी, अनिल किसी से अगर बहुत ज्यादा उसको राशन पानी में खर्चा की जरूरत पड़ जाती थी तो अनिल एक सप्ताह उधार लेता था तो दूसरे सप्ताह उसे उधार चुकाता था। बोरो का मतलब समझ रहे हो ना, बोरो 1 वीक, अगर 1 महीने के लिए उधार लिया तो दूसरे सप्ताह उसे क्या करता था, चुकाता था, है ना। बोरो का मतलब उधार लेना, लेंड का मतलब उधार देना, ठीक है ना। ही केप्ट वरिंग अबाउट दिस नेक्स्ट चेक, और वो हमेशा चिंतित रहता था कि अगर अगली चेक नहीं आया मेरा तो क्या होगा। अब तुम्हें जानने की इच्छा होगी, क्यूरियोसिटी होगी, यू आर सो क्यूरियोसिटेबल, किसा हूं अनिल का वर्क क्या था, व्हाट वाज द वर्क ऑफ अनिल, राइट नाउ आई एम शेयरिंग विद यू माय डियर, व्हाई आर यू वरीड अबाउट इट, है ना। कह रहा है कि वह ही रोट फॉर मैगजीन्स, मैंने बताया कि वो आर्टिकल लिखा करता था, वो एक मैगजीन्स लिखा करता था जो होता है ना साप्ताहिक, मैगजीन्स कह सकते हो उसे, आर्टिकल्स होते हैं जो लेख वगैरह होते, अकाउंट्स लिखा करता था किसी प्रकाशन के लिए। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति, मान लीजिए तुम पढ़े लिखे हो तो लिख सकते हो, दिल्ली में जो लड़के जो यूपीएससी की तैयारी वारी करते हैं तो अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए आर्टिकल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए, और आर्टिकल लिख करके वो इस तरीके से, है ना। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम ऐसा आया जिसमें एक छोटा सा बंडल नोट्स था, मतलब बंडल नोट्स यानी कि हो सकता है उसकी जो आर्टिकल्स लिखकर वो दिया होगा जिस किताब को, जिस प्रकाशन वाले को, उसकी बिकी होगी प्रकाशन वाले को किताब, जब वो मैगजीन बिका होगा उस प्रकाशन के थ्रू पब्लिश होती होगी तो उस प्रकाशन वाले ने उसे पैसे दिया होगा,
है ना, और सही बात है। सोल्ड बुक, देखो हमने बोला जस्ट सोल्ड बुक, अभी अभी ये पब्लिशर ने उसे किताब बेचा था, एट नाइट हाउ सिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैट्रेस मतलब होता है रजाई, तो वो रजाई जो होती है ना इसको क्विल्ट बोलते, QUILT, क्विल्ट का मतलब वही रजाई होता है जो है ना एकदम गद्दा, ठंडा में मजा आ जाता है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट ए मंथ, कहा अनिल के पास मुझे काम करते हुए लगभग एक महीने हो गए थे, तो उसको तो अब पैसा चाहिए भी था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड, कहा कि शॉपिंग से तो मैं चीटिंग जो करता था वो करता ही था, है ना। हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग, अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो आई प्लीज, ही वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन। अनिल इतना ट्रस्ट उस पर करता था, उसने सारी पेटी का, बक्सा का, हर चीज का उसको चाबी दे दिया था कि लो। अनिल बहुत सीधा साधा इंसान है बेचारा, है ना। कहा दैट इट वाज व्हाई सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, कहा कि इतना वो इंसान था, मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं उसे रॉब करूं, मैं उसके साथ धोखाधड़ी करूं, मैं उसके साथ चोरी करूं, मैं उसके साथ छिनैती करूं। इट इज इजी टू रॉब, क्योंकि वह इतना इंसान आदमी था कि उसको चोरी करना बहुत ईजी था। ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू रॉब, बट डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस हैज बीन रॉब्ड, दैट टेक्स द प्लीजर टू आउट द वर्ल्ड। कहा कि अगर कोई गलत इंसान होता है तो उसे रॉब करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसको तो बहुत ईजी करना था, लेकिन मेरी से अंदर जमीन नहीं थी कि मैं रॉब करूं। लेकिन कहा जाता है वो गांव में कहावत है कि लत और लक्षण मरले पर जई है, तो वही वाला छूटे वाला बात बा हो। लत और लक्षण मतलब लत का मतलब जिसको लत लग जाता है, अगर किसी को शराब का लत है तो वो कभी छूटने वाला नहीं। उसी प्रकार से जैसे कुत्ता को बार बार कहो यहां आकर नहीं तुम है ना, यहां आकर लीज मत करना, यहां आकर तुम लैटरिंग मत करना, बार बार वही करेगा। उसका उसका पूछ काट करके कह दो कितनों की पूछ को, मतलब ऐसे वो जो टेढ़ा पूछ होता है उसको गाड़ दिया जाए धरती में, तो वो जो टेढ़ी पूछ होती है ना वो पूछ सड़ तो सड़ जाएगी लेकिन उसका शेप नहीं खत्म होगा। वैसा ही कहा जाता है वो गांव में कहावत है कि लत और लक्षण मरले पर जई है, वही वाला बात है कि कुछ भी हो जाता लेकिन इसको लगता है हम अपना प्रोफेशन कैसे छोड़ देंगे, ये हमारा जो चोरी का प्रोफेशन है इसको पैसा देख के रहा नहीं गया। क्योंकि अभी अभी अनिल को एक बंडल मिला था, एक नोट का बंडल मिला था, यह देख करके उसको क्या है बच्चों रहा नहीं गया, है ना, यह देख करके उसको रहा नहीं गया। कहा कि वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड आई डोंट टेक द मनी, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, है ना। उसको ऐसा लगा कि हो सकता है ये पैसा जो आया है वो वेस्ट में चला जाएगा, हो सकता है दोस्त को दे दे, मेरे को नहीं देगा, ऐसे उसके मन में कई तरह के सवाल आने लगे, कई तरह के मन में उसकी इच्छा जागृत हुई, है ना बच्चों, कई तरह के मन में क्या हुई, इच्छा जागृत हुई। आगे देखिए, उसके मन में कई तरह की इच्छा जागृत हुई। अनिल वाज अस्लीप, ए बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी एंड फेल ऑन द बेड, आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसीडरिंग द सिचुएशन इफ आई टुक मनी। देखो मून लाइट था, हल्की हल्की चंद्रमा की प्रकाश पड़ रही थी और अनिल जो है सो रहा था, घोड़े बेचकर सो रहा था, उसको क्या है, आराम से सो रहा था। लेकिन ये तो चोरवा इंतजार में था कि कखने हम इसको लेके निकले। अनिल सब कुछ खाया पिया, अनिल जैसे ही सोया, इसको 10:30 वाली लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने को थी, इसने सोचा कि मैं ये जल्दी से ट्रेन पकड़ करके क्या करूंगा, जल्दी से मैं क्या करूंगा, इसको लेकर के भागूंगा। देखो वही बात हुआ बच्चों, ध्यान से सुनिए, देखिए यहां पर देखते चलिए। 10:30 एक्सप्रेस लखनऊ जो है उसको पकड़ना था, जल्दी से उसने क्या किया, अनिल जैसी सोया, ठीक है, वो धीरे धीरे रेंगते हुए बेड के पास गया, हल्के से ऐसे अंदर से हाथ डाला, जहां पैसा था उसको निकाला और वो पैसा ले करके भाग गया। लेकिन जैसे वो दौड़ते दौड़ते स्टेशन पर पहुंचा, लेकिन वो जो स्टेशन पर पहुंचते ही वो जो था वो क्या था, ट्रेन उसकी छूट गई, है ना। कहता है कि माई पैजामा स्लो डाउन ए बाग काउंटेड द नोट्स 600 रुपीज, और वो टोटल नोट्स कितने थे, 600 थे, कितने थे 600, यानी 600 रुपये थे इन 50, यानी 50-50 के नोट, 50-50 की नोट जो था वो था। अब कितने 50 की नोट होंगे जिसमें 600 होंगे वो तुम देख लो, वो तुम काउंट कर लेना, ठीक है बच्चों। देखो यहां पर अनिल जो है सो रहा है और कैसे जो है चोरवा धीरे धीरे पैसवा को निकाल रहा है, आ जा बेटा आ जा। हाँ, हाँ। When I reach the station,
हरी सिंह बताता है कि मैं कहां पहुंचा, स्टेशन पहुंचा, मैं कहां पहुंचा स्टेशन, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, आई हैड नेवर बाउट ए टिकट इन माई लाइफ बट डैश स्ट्रेट इन द प्लेटफॉर्म द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग, तभी मेरी ट्रेन छूट गई एंड आई लॉस्ट चांस टू गेट अवे, और मैं वहां तो नहीं जा पाया, ठीक है, देन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन, फिर मैं धीरे धीरे अकेला पड़ गया उस जगह पर, मैं क्या पड़ गया, अकेला पड़ गया, अलोन पड़ गया, क्योंकि मेरे कोई वहां फ्रेंड्स नहीं थे, कुछ नहीं था, ठीक है। मैंने सोचा कि चलते हैं उधर स्टेशन तरफ जाने को सोचा, ऑलरेडी वहां एक बार जा चुका, सोचा कि इधर का दुकानदार जो है सब मुझे जानता है, फिर हो सकता है मुझे मारने लगे, फिर धीरे 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 वो बाजार की ओर बढ़ा, उधर भी उसको डर लग रहा था कहां जाए, फिर अंतिम में उसने एक पार्क में गया, वहां बैठा, ठीक है, लेकिन उतना ही देर में हल्की बारिश होने लगी, ये सारा रात का ही खेला है बच्चों, वहां पर हल्की बारिश होने लगी जिसके कारण उसका पूरा नोट जो है, देखो लाइट ड्रिजल, ड्रिजल का मतलब होता है ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग का मतलब होता है बूंदा बूंद बारिश, बूंदा बांदी बारिश होना, है ना, हल्की सी ड्रिजलिंग हुई, उसके पैजामे भींग गए, उसके नोट भींग गए, वो डिस्कम्फर्ट हो गया, लेकिन उस सारी चीजों पर उसकी पूरी बात, अनिल की पूरी याद आने लगी कि क्या वो दिन थे, कितना अच्छा से मैं पैसा भी रुपया एक रुपया अठना बचा लिया करता था, कितना अच्छा खाना मिलता था, कितना सीधा इंसान है वो, इस पैसे का मैं क्या करूंगा, सिनेमा देखूंगा, उड़ा दूंगा, लेकिन इस पैसे से क्या फायदा होगा, अब तक मैं वहां होता तो इतना कष्ट नहीं झेलता, अब तक तो मैं सेंटेंस लिखना सीख जाता, मैंने ऐड करने, नंबर ऐड करने सीख गया था, अब तक तो बहुत कुछ हो जाता, मैंने गलती किया है, उसको गलती रियलाइज हुई, वो फेल्ड किया, और धीरे धीरे वो उसको लगा कि मैंने ये गलती किया है, मेरे दिल में उसके दिल में मेरे लिए कितना रिस्पेक्ट है ये मैं कैसे बता सकूं, वह वापस यह सोचते हुए नर्वस हो गया, और नर्वस होकर के वह सीधे जो है फिर से वापस उसी रात में, अभी पूरी रात खत्म नहीं हुई थी, 3-4 बजने वाला था, तभी वो वापस आ जाता है, देखता है कि अनिल अभी भी सो रहा है, वो चुपके से क्या करता है, वो पैसा को उसी जगह पर ले जाकर रख देता है और सो जाता है, अनिल जो है थोड़ा सा थका हुआ था तो पहले सोया था, तो पहले जग गया, और जागने के बाद जब वो उठा तो सोचा कि इस बार जो है, जागने के बाद जो उठा तो सोचा ही था कि हम सुबह में इसको पैसा दे देंगे, पैसा आया है तो नोट भींगा हुआ था, लेकिन वो समझ गया कि नोट की चोरी की गई, लेकिन उसने हरी सिंह से कुछ नहीं कहा कि तुमने पैसे चोरी की है, उसको उठाया और उसके लिए एक कप चाय भी लाया बनाकर, लो पी लो चाय, और उसको वो तनख्वाह भी दे दिए कि देखो ये तुम्हारी तनख्वाह है, ये तुम लो, और जैसे ही आते जाएगा तो तुमको हर महीने मैं अब तनख्वाह क्या करूंगा, देता रहूंगा, अनिल ने ऐसा कहा, ठीक है, माई हर्ट सिंह, मेरा जो सैंग, मतलब सैंग सिंह का मतलब मेरा हार्ट जो था, मेरा जो दिल था वो एकदम डूब सा गया कि मैंने क्या, आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, ठीक है ना, उसने कहा था कि देखो कल मेरा पैसा आने वाला है, मैं तुम्हें अब पे करूंगा, तो अब तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन टूडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड, फिर से जो है टूडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ने कहा कि हम लोग कल से जो है सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे, ही सेड ही न्यू बट नाइदर ही लिप्स और हिज आई स्लोड एनीथिंग, आई स्माइल्ड एट अनिल, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर जो स्माइल देखी मेरे अंदर एक एनर्जी ला दी, एंड स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एन एनी एफर्ट, उसने मुझे बिना कुछ कहे सब कुछ, मतलब वो समझ चुका था, बिना मेरे को कुछ कहे वो सब कुछ समझ चुका था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला। तो बच्चों यहीं पर कहानी खत्म होती है, इस कहानी में सीख मिलती है कि देखो हरी सिंह और अनिल की कहानी में देखो कैसे बच्चों अनिल ने क्या किया, एक पढ़े लिखे होने के नाते अनिल ने उसे जेल भेजने के बजाय, कुछ करने के बजाय, उसे प्रताड़ित करने के बजाय, बार बार चोर कहने के बजाय, उसने एजुकेशन से उसको क्या कर लिया, हतप्रभ कर दिया, मतलब कि उसे अचंभित कर दिया, और अंत में उसे एक कामयाब बनाने में सफल रहा। तो देखिए यही थी एक अनिल की कहानी, एक चोर की कहानी। तो बच्चों यहां पर बताया गया है कि एजुकेशन, कहा जाता है, कहावत है कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहा जाता है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, है ना, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, जिसे तुम चेंज यूज करके इस दुनिया को बदल सकते हो, इस दुनिया को क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। कहा जाता है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, एजुकेशन एक ऐसा शस्त्र है, एक ऐसा हथियार है, ठीक है ना, विच यू कैन टू यूज,
एंड चेंज द वर्ल्ड, जिसे तुम यूज करके इस दुनिया को क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। तो देखो एजुकेशन का यूज करके एक थाउट मैं कहना चाह रहा हूं बच्चों, वो थाउट मैंने बताया, एजुकेशन का यूज करके शायद उस चोर को एक अच्छे इंसान बनाने में कामयाब रह गया। शायद उसे ये शिक्षा ना दी होती सेंटेंस लिखने की, ये पढ़ाई नहीं होती, तो शायद वो नहीं लौट कर वापस आता और उसे इंसान बनाने में कामयाब नहीं हो पाता। यही थी द थीप स्टोरी बच्चों, जिसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। फिर हमारी मुलाकात किसी नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बच्चों, शेयर करते रहें।